छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दो चरणों का मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। अब छत्तीसगढ़ के प्रमुख दलों समेत जनता को नतीजों का इंतजार है। इस बार कांग्रेस सत्ता में दोबारा आएगी या नहीं आएगी, या फिर बीजेपी सत्ता की कमान संभालेगी, ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका सवाल का जवाब 3 दिसंबर को पता चलेगा। लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस में सीएम पद के लिए अब मांग उठनी शुरू हो गई है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंह देव ने एक बयान देकर अपनी पार्टी के लिए असमंजस की स्थिति बना दी है। टीएस सिंह देव के एक बयान ने राज्य के राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। बड़ा बयान देते हुए टीएस सिंह देव ने कहा कि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बने तो चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। इससे ज्यादा सीएम भूपेश बघेल के मुख्यमंत्री बनने की राह आसान होती तो नहीं दिख रही है। टीएस सिंहदेव का कहना है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए यह उनका आखिरी मौका है, अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं रह जाता और ना ही वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। मतदाता के लिए जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है वो निभाने के लिए मैं तत्पर हूँ और हमेशा तैयार रहूंगा।